हर दिन होती थी ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच लड़ाई। ऐश्वर्या ने खुद इंटरव्यू में खोला राज। विवादों के बीच आया ऐश्वर्या का सनसनीखेज इंटरव्यू। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्तों को लेकर पूरा बाजार गर्म है। हर तरफ ये खबर फैल चुकी है कि ऐश्वर्या और अभिषेक सेपरेट होने वाले हैं। लंबे वक्त से ऐश्वर्या और अभिषेक साथ नहीं देखे गए हैं। दोनों अलग अलग होकर पार्टियों में जा रहे हैं। ऐश्वर्या ने इस बार दिवाली भी ससुराल में नहीं मनाई। वो इस मौके पर बेटी आराध्या को लेकर दुबई चली गई थी। वहीं ऐश्वर्या ने अकेले ही आराध्या का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इससे पहले ऐश्वर्या ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया, जिसके फंक्शन से पूरा बच्चन परिवार और अभिषेक गायब रहे। तब से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या अलग हो चुके हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ऐश्वर्या अपने मायके में अपनी मां वृंदा राय के साथ रह रही हैं। इन तमाम विवादों के बीच ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि अभिषेक के साथ उनकी रोज लड़ाई होती है। वोग इंडिया के साथ 2010 के एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ हर दिन झगड़े की बात स्वीकार की थी। हालांकि अभिषेक ने उस झगड़े को असहमति कहकर बयां किया था। इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि हर दिन लड़ाइयां होती हैं। अभिषेक ने फिर तेजी से बोलते हुए साफ किया था कि वो झगड़े नहीं होते हैं, बल्कि किसी चीज पर असहमति है। वो गंभीर नहीं होते बल्कि हेल्दी होते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। अभिषेक बच्चन ने इस बारे में भी बात की थी कि वो ऐश्वर्या के साथ अपनी असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वही लड़ाई के बाद ऐश्वर्या से माफी मांगते हैं। जब दोनों से पूछा गया कि चीजें कौन सही करके सोता है, तो अभिषेक ने कहा कि मैं करता हूं, महिलाएं नहीं करती, लेकिन हमारा एक नियम है कि हम लड़ाई करके सोते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाएं हमेशा महान होती हैं और वो हमेशा सही होती हैं। जितनी जल्दी पुरुष इसे स्वीकार कर लें उतना बेहतर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, भले ही आपके पास ठोस सबूत हो, उसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है। अभिषेक ऐश्वर्या का इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रहा है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 16 साल बीत गए हैं और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।